मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग अनंत अंबानी की वॉच देख के शॉक्ड हो गए थे और उनकी पत्नी ने कहा ये वॉच मुझे भी चाहिए। तो ऐसी कौन सी वॉच पहनी थी अनंत अंबानी ने? और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में दिलजीत दोसांझ ने चार चांद लगा दिए थे, तो उस चार चांद की परफॉर्मेंस के लिए दिलजीत दोसांझ ने कितने रुपए लिए थे? और क्या महेंद्र सिंह धोनी इस IPL सीजन अपनी कैप्टनशिप छोड़ रहे हैं? और किस कार कंपनी ने 250 करोड़ रुपए की कार लॉन्च की है और उस कार में ऐसा क्या खास है जिससे उसकी कॉस्ट 250 करोड़ रुपए? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। गाइस स्वागत है आप लोग का कार्स पूरी की नई सीरीज सेलिब्रिटी वाला में, जहां पर आपको सेलिब्रिटीज से रिलेटेड सारे अपडेट जानने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जामनगर से सारे सेलिब्रिटीज मुंबई आ चुके हैं और प्री वेडिंग खत्म हो चुकी है 3 मार्च को। लेकिन उस प्री वेडिंग से एक वीडियो की क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जब अनंत अंबानी मार्क जकरबर्ग से बात कर रहे थे। वो उनसे पूछ रहे थे कि अभी आप रिलैक्स करोगे, अगर आपके पास 2 घंटे हो तो मैं उस हिसाब से प्लान बना लूँ अपन को क्या करना है। तो मार्क जकरबर्ग रिएक्ट करते कि नहीं आप वॉकिंग करते हैं, हम लोग फ्री हैं 2 घंटे के लिए। तब उसी समय मार्क जकरबर्ग की वाइफ जो होती है वो अनंत अंबानी की वॉच को देखती है और कहती है आपकी वॉच बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है ये वॉच। तब मार्क जकरबर्ग भी रिएक्ट करते और कहते कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ अनंत अंबानी को कि ये वॉच काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है, हालांकि मुझे वॉचेस पसंद नहीं है लेकिन इस वॉच को देखने के बाद लग रहा है कि वॉचेस बहुत ही ज़्यादा कूल होती हैं। और उनकी पत्नी कहती कि मुझे भी इस टाइप की एक वॉच चाहिए। तो अनंत अंबानी ने जो वॉच पहन रखी थी वो थी रिचार्ड मिली RM10 कोई फिश डायमंड स्टडेड हॉबी ऑन वॉच, जिस वॉच की एस्टिमेटेड कॉस्ट है $4.5 मिलियन जो होते लगभग 37 करोड़ रुपीज। और ये वॉच इतनी सुंदर है देखने में, तो आपको अनंत अंबानी की ये वॉच कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर वीडियो बनाओ कि उन्होंने कितने रुपए चार्ज किए इस प्री वेडिंग के लिए, हालांकि दिलजीत दोसांझ की ये वीडियो की क्लिप भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अनंत अंबानी कह रहे थे कम से कम 20 मिनट तो आपको और परफॉर्म करना पड़ेगा। तब दिलजीत दोसांझ रिप्लाई करते हैं अनंत अंबानी को, सर आपके लिए तो 30 मिनट भी परफॉर्म करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग परफॉर्मेंस थी दिलजीत दोसांझ की, जिसमें शाहरुख खान, कियारा आडवाणी, जानवी कपूर, करीना कपूर सब लोग डांस करते हुए नजर आ रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई कि दिलजीत दोसांझ ने कितने चार्ज किए। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिब्रिटीज जब भी परफॉर्म करते हैं अंबानी की वेडिंग्स में तो वो 1 रुपया चार्ज नहीं करते, जो फॉरेन से सेलिब्रिटीज आते हैं वही चार्ज करते हैं। लेकिन फिर भी एक एस्टिमेटेड प्राइस में बता सकता हूँ, दिलजीत दोसांझ जो शो करते हैं तो उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है 4 करोड़ रुपीज। लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई कि उन्होंने 1 रुपया चार्ज किया इस परफॉर्मेंस के लिए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हॉलीवुड सेलिब्रिटी सिडनी स्वीनी को लेकर के। रिसेंटली सिडनी स्वीनी की एक मूवी आई है एनीवन बट यू, उसके जो लीड एक्टर है ग्लेन पॉवेल, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, ऐसे रूमर्स सामने आ रहे थे। उन सारे रूमर्स को सिडनी स्वीनी ने फेक बताया और उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे फियांसे ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था और वो 24/7 सेट पे मौजूद थे, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है हम दोनों के बीच में, मैं मेरे ड्रीम मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और पहले से बेटर हो चुका है हमारा बॉन्ड, तो ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया। तो सारे के सारे जो भी अफेयर के रूमर थे वो सबको खारिज किया सिडनी स्वीनी ने। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगला अपडेट निकल के आ रहा है सचिन तेंदुलकर की डॉटर सारा तेंदुलकर से रिलेटेड। रिसेंटली सारा तेंदुलकर ने सेल्फी पोस्ट की रानी मुखर्जी के साथ उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और उस सेल्फी में उन्होंने लिख रखा था फेवरेट फॉर एवर, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी, ये उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिवील्ड किया। और रानी मुखर्जी के 2 फोटो शेयर भी किए उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और सेकंड पोस्ट उन्होंने शेयर किया इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी मदर अंजलि विद रानी मुखर्जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सारा तेंदुलकर के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगली न्यूज निकल के आ रही है इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि न्यू सीजन ऑफ IPL आने वाला है और CSK वन ऑफ द फेवरेट टीम मानी जाती है IPL की, उस टीम को लीड करते हुए नजर आते महेंद्र सिंह धोनी। रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी ने उनके ट्विटर हैंडल यानी कि X पर ट्वीट किया, कांट वेट फॉर द न्यू सीजन एंड न्यू रोल स्टे ट्यून्ड। क्या महेंद्र सिंह धोनी अपनी कैप्टनशिप छोड़ रहे हैं, रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाएंगे? क्योंकि पिछले सीजन में भी महेंद्र सिंह धोनी इतने एक्टिव नहीं रहते, लास्ट ओवर में आकर के बड़े बड़े हिट लगा करके फिनिशिंग मूव्स दिखा रहे थे, लेकिन वो जिस पोजीशन पर आने चाहिए थे उस पोजीशन पर आकर नहीं खेल रहे थे, मोस्टली लास्ट के 2-3 ओवर खेलने के लिए आ रहे थे क्योंकि उस समय उनके नी पर इंजरी थी। लेकिन क्या पता इस न्यू सीजन में महेंद्र सिंह धोनी किस रोल में उतरेंगे, लेकिन जो भी होगा अपडेट वो अगली वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। लेकिन मेरी पर्सनल इच्छा यही है कि महेंद्र सिंह धोनी CSK के कैप्टन रहने चाहिए, क्योंकि वो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। आपके फेवरेट है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। अगली न्यूज निकल के आ रही है रोल्स रॉयस कंपनी से रिलेटेड। रोल्स रॉयस कंपनी ने रिसेंटली रिवील की एक और ड्रॉप टेल कार, जिसका नाम उन्होंने रिवील किया है आर्केडिया। ये एक $30 मिलियन की कार है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है 248 करोड़ रुपीज। इस कार को रिसेंटली सिंगापुर की प्राइवेट सेरेमनी में रिवील किया गया, पर्सनल क्लाइंट की ऑर्डर पर इसको बिल्ड किया गया और क्लाइंट के घर पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्नीचर था उसी से इंस्पायर्ड होकर इस कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर बनाया गया। इस कार में मोस्टली इंटीरियर और एक्सटीरियर में वुडन का यूज किया गया। इस कार में सेंटो स्ट्रेट ग्रेन हाई डेंसिटी वुड का यूज किया गया। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है वुड क्लाइमेट के चेंज होते होते धीरे धीरे खराब होती है,
तो उस पर कोटिंग करनी पड़ती है, और ये कार ये बारिश में भी जाएगी और हर क्लाइमेट चेंज में नजर आएगी। तो अगर आप 250 करोड़ रुपए की कार लोगे तो कोई ऐसा तो नहीं कहेगी आपको कार कंपनी की आप इस कार को बारिश में मत ले जाओ या ऐसा मत करो। तो रोल्स रॉयस ने इस एक्सटीरियर और इंटीरियर को एकदम प्रोटेक्टेड बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कोटिंग करी है। उस कोटिंग को करने के लिए इनको 8000 आवर्स का टाइम लगा, 8000 घंटे लगे खाली कोटिंग को करने के लिए, और 1000 आवर्स की टेस्टिंग करी इस कोटिंग के ऊपर, इसकी वुड के ऊपर, ताकि ये कार एकदम प्रोटेक्टेड रहे, और टोटल 9000 आवर्स की वर्क के बाद इस कार को डिलीवर्ड किया है। तो आपको ये कार कैसी लगी इंटीरियर एक्सटीरियर के लुक में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।